आज आप लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का पांचवा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम लोग विलयता के बारे में जानेंगे कि विलयता क्या होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विलयता क्या होती है। विलयता को हम लोग इंग्लिश में सोल्युबिलिटी कहेंगे। विलयता सोल्युबिलिटी क्या होती है? सबसे पहला चीज, विलयता का मतलब है घुलनशीलता। मतलब अगर किसी पदार्थ को द्रव में डाले और वह घुल जाए तो कहेंगे कि इनकी घुलनशीलता अच्छी है, विलयता अच्छी है। लेकिन अगर किसी पदार्थ को किसी द्रव में डाले और वह न घुले तो कहेंगे इनकी विलयता अर्थात घुलनशीलता अच्छी नहीं है। जो जितना ज़्यादा घुलता है उनकी विलयता उतना ही ज़्यादा होती है। तो हम लोग समझेंगे विलयता होती क्या है। स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा को विलयता कहते हैं। विलायक मतलब क्या? इस चैप्टर के लिए विलायक को द्रव के रूप में लेंगे, मतलब द्रव में ही किसी भी चीज को घोला जाएगा। तो विलयता होती क्या? स्थिर ताप पर किसी द्रव या विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा को विलयता कहते हैं। हम यहाँ पर दो प्रकार की विलयता पढ़ेंगे। तो कितने प्रकार की विलयता पढ़ेंगे जी? तो दो प्रकार की विलयता पढ़ेंगे। सबसे पहला जो विलयता पढ़ेंगे वह होगा ठोस की द्रव में विलयता। अब हम देखेंगे कि अगर किसी ठोस को द्रव में डाल रहे हैं तो वह ठोस उस द्रव में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा। अगर घुल रहा है तो कहेंगे विलयता अच्छी है, और अगर नहीं घुलेगा तो कहेंगे विलयता अच्छी नहीं है। इसका मतलब अगर किसी ठोस की द्रव में विलयता देखना चाहें तो कोई भी ठोस तभी उस द्रव में विलेय होगा जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हो। मतलब अगर किसी ठोस के लिए हाइड्रेशन एनर्जी का मान उसके लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है तब तो वह ठोस उस द्रव में अर्थात पानी में घुल जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी उसके लैटिस एनर्जी से कम हो जाए तब वह ठोस उस द्रव में डालने पर नहीं घुलेगा। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। तो हाइड्रेशन एनर्जी पानी के लिए आया है और लैटिस एनर्जी ठोस के लिए आया है कि ठोस को आयन में तोड़ने के लिए जितना एनर्जी देंगे वह लैटिस एनर्जी है। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? यह आयन पानी के साथ ऐड होने पर जितना एनर्जी निकालेगा उसको कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब किसी भी ठोस की द्रव में विलयता डायरेक्टली हाइड्रेशन एनर्जी द्वारा इफेक्टेड होगा। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है तो ठोस द्रव में घुलेगा, अगर कम है तो नहीं घुलेगा। अब हम देखेंगे इनकी विलयता को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करेंगे। तो अब हम देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी मतलब ठोस की
द्रव में विलयता को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करेंगे? सबसे पहला जो फैक्टर होगा वह नेचर होगा, वह नेचर होगा। इसका मतलब अगर किसी भी ठोस को द्रव में घोलना चाहते हैं तो वह ठोस उस द्रव में तभी घुलेगा जब इन दोनों का नेचर समान होगा। नेचर समान होने का मतलब क्या है कि अगर यह दोनों पोलर हैं तब तो ठोस द्रव में घुल जाएगा, यदि दोनों नॉन पोलर हैं तब भी ठोस द्रव में घुल जाएगा, लेकिन अगर यह पोलर है और द्रव नॉन पोलर है तब यह ठोस उस द्रव में डालने पर कभी भी नहीं घुलेगा। जैसे एक चोर की कभी सिपाही से दोस्ती नहीं हो सकती, उसी तरह से एक पोलर ठोस की नॉन पोलर द्रव से कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती, अर्थात नॉन पोलर ठोस पोलर द्रव में कभी भी नहीं घुलेगा। अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज बोलूँगा मैं कि नेचर के बारे में, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब कि अगर नेचर लाइक है तब तो वह घुलेगा और अगर नेचर लाइक नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में ठोस द्रव के अंदर नहीं घुलेगा। दूसरा चीज हम बात करेंगे, दूसरा फैक्टर उसको हम लोग कहेंगे टेम्परेचर। दूसरा जो फैक्टर जो इफेक्ट डालेगा विलयता के ऊपर उसको हम लोग कहेंगे टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ताप। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी ठोस को द्रव में डाल रहे हैं तो इसकी विलयता को टेम्परेचर किस तरह से प्रभावित करेगी, यह टेम्परेचर विलयता को दो तरह से प्रभावित करेगी। सबसे पहला, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब अगर किसी ठोस को द्रव में डाल रहे हैं और उस कंडीशन में वह ठोस द्रव में घुलने के लिए एनर्जी अवशोषित कर रहा है तो कहेंगे प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और इस कंडीशन में विलयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर विलयता बढ़ेगी और टेम्परेचर घटाने पर विलयता घटेगी, लेकिन अगर ठोस को द्रव में घोले और उस कंडीशन में प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तब विलयता ताप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब इन्वर्सली का मतलब अगर ताप बढ़ाएंगे तो विलयता घटेगी और ताप घटाएंगे तो विलयता बढ़ेगी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो चूना को लेकर पानी में डाल दीजिए और इस कंडीशन में अगर इसको गर्म करेंगे तो जो चूना पानी में पहले से घुल रहा था अब और नहीं घुलेगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी, मतलब विलयता द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हम तीसरा फैक्टर की बात करेंगे और इस फैक्टर का नाम होगा प्रेशर। प्रेशर को हम लोग कहेंगे दाब। तो हम देखेंगे कि जो दाब होती है, जो प्रेशर होती है, वह किस तरह से ठोस की द्रव के में विलयता को प्रभावित करेगी। तो एक चीज बोल दूं कि नो इफेक्ट। इसका मतलब ठोस को द्रव में डालने पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ठोस को पानी में डाल दिए, ठोस को द्रव में डाल दिए और ऊपर से चाहे जितना दबाए, तो हाथ से अगर पानी को दबा रहे हैं तो हाथ पानी के अंदर खुद चला जाएगा, इसका मतलब पानी नहीं दबेगा और इस कारण से यह प्रेशर ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं छोड़ दिया था एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए,
अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहां पर एक एग्जाम्पल हो जाएगा चीनी का पानी में घुलना, चीनी प्लस पानी। अगर चीनी को पानी में घोले और उस कंडीशन में जब चीनी नहीं घुल रहा होता है तो टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, जो चीनी नहीं घुल रहा होता है टेम्परेचर को बढ़ाने पर वह भी घुलने लगेगा, मतलब वीर्यता बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे दूसरा, गैस की द्रव में विलेयता। तो दूसरा हम लोग देखेंगे गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता। अभी तक हम लोग ठोस की द्रव में विलेयता देखे और इस विलेयता को कितने फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं, जैसे नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर। नेचर में नेचर लाइक कर रहा है तब तो डिजॉल्व होगा और नेचर लाइक नहीं कर रहा है तो डिजॉल्व नहीं होगा। टेम्परेचर में दो, एंडोथर्मिक के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक्सोथर्मिक के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और प्रेशर के लिए कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब हम दूसरा देख रहे हैं गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता को देखने के लिए एक टर्म हम लोग समझेंगे, अवशोषण क्या होती है। इसका मतलब अवशोषण अगर समझ लें तो गैस की द्रव में विलेयता समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला चीज अवशोषण क्या होती है। अगर किसी गैस को द्रव में डाले और वह गैस उस द्रव में घुल जाए तो कहेंगे गैस द्रव में अवशोषित हो गई है। इसका मतलब अवशोषण क्या होती है। स्थिर ताप पर किसी द्रव द्वारा गैस की घुली हुई अधिकतम मात्रा को, घुलाई हुई अधिकतम मात्रा को अवशोषण कहते हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार की गैस की अवशोषण द्रव में अलग अलग होगी। इसका मतलब विभिन्न प्रकार के गैस को द्रव में डाले तो अलग अलग गैस अलग अलग प्रकार से घुलने में समय लेगा, मतलब कोई गैस जल्दी घुल जाएगा और कोई गैस देर से घुलेगा। जो गैस जल्दी घुलेगा तो उसको कहेंगे अवशोषण ज़्यादा हो रहा है, और जो गैस देर से घुलेगा कहेंगे अवशोषण देर से हो रहा है। अब हम दूसरा टर्म विलेयता को समझने के लिए एक दूसरा टर्म समझेंगे जिसको हम लोग कहेंगे अवशोषण गुणांक। हम समझेंगे अवशोषण गुणांक क्या होती है और इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा से। अब हम बात करेंगे कि अवशोषण गुणांक क्या होती है। इसका मतलब अगर किसी द्रव में गैस को घोला जाए, अगर किसी द्रव में गैस को घोला जाए तो उस कंडीशन में अवशोषण गुणांक क्या होती है। तो एक कंसेप्ट देखिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर और एक एटीएम दाब पर, कांस्टेंट टेम्परेचर और एक एटीएम दाब पर द्रव के एकांक आयतन में एनटीपी पर गैस की घुली हुई अधिकतम मात्रा को अवशोषण गुणांक कहते हैं। इसका मतलब अवशोषण गुणांक क्या होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर और एक एटीएम दाब पर द्रव के एकांक आयतन में एनटीपी पर गैस की घुली हुई अधिकतम मात्रा को अवशोषण गुणांक कहते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे, अगर इस अल्फा में 22.4 से भाग दे दें तब विलेयता हमारा मोल पर लीटर में आ जाएगी। इसका मतलब अगर विलेयता मोल पर लीटर में जानना चाहते हैं तो इसके अवशोषण गुणांक में कितना से भाग देंगे, 22.4 से। और इस तरह से अवशोषण और अवशोषण गुणांक समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा बात करें कि अगर किसी गैस को द्रव में विलेय किया जाए तो इस विलेयता को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि गैस की
द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले फैक्टर मतलब फैक्टर इफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। इसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है जो फैक्टर इफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, इसका मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर होगा हम देखेंगे गैस की नेचर, गैस की नेचर, गैस की नेचर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला गैस की नेचर कि गैस द्रव में डालने पर घुलेगा कि नहीं, नेचर क्या है। तो यहाँ पर मैं एक टर्म बोलूँगा, जो गैस द्रव के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वह गैस उस द्रव में घुल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अमोनिया की बात करूं और हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करूं तो यह द्रव में डालने पर आसानी से घुल जाएगा क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और इस कारण से यह द्रव के अंदर आसानी से घुल जाएगा। लेकिन अगर इनके स्थान पर दूसरा गैस ले लिया जाए, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनको अगर द्रव में डाला जाए तो यह नहीं घुलेगा क्योंकि द्रव के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ एक टर्म आ रही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड। एक चीज मैं बता दूं, वही कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जिसके पास फोन होगा। अब उस फोन की हम बात नहीं कर रहे हैं जिस फोन से आप लोग बात कर रहे हैं, मैं तो एलिमेंट वाले फोन की बात कर रहा हूँ। मतलब F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन और N का मतलब नाइट्रोजन। मतलब जिस अणु के पास, जिस कंपाउंड के पास इनमें से कोई भी एलिमेंट हो मतलब फोन हो, वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उसको पानी में डालने पर, द्रव में डालने पर घुलेगा। दूसरा मैं बात करूंगा विलायक की नेचर। दूसरा मैं बात करूंगा कि गैस को जिस विलायक में डाल रहे हैं, जिस द्रव में डाल रहे हैं, उनका नेचर क्या है। तो दूसरा हम फैक्टर देखने जा रहे हैं विलायक की नेचर, क्योंकि गैस को किस में डाल रहे हैं, द्रव में, मतलब विलायक में। तो यहाँ पर एक बात बोलूँगा, लाइट डिजॉल्व लाइट, इसका मतलब गैस और विलायक दोनों का नेचर अगर लाइक करेगा तब तो घुलेगा और नेचर अगर लाइक नहीं करेगा तो नहीं घुलेगा। मतलब दोनों के दोनों अगर पोलर हैं, मतलब गैस और द्रव दोनों पोलर हैं, तब गैस द्रव के अंदर घुलेगा और अगर नॉन पोलर हैं तब वह नहीं घुलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन नॉन पोलर है, अगर इस गैस को पानी में डाला जाए तो यह ऑक्सीजन इस पानी में बहुत कम घुलनशील होता है और इस कारण से, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है। तीसरा मैं बात करूंगा विलायक की नेचर के बात करूंगा, तीसरा नंबर जो फैक्टर है वह इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति, इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति, इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति। इसका मतलब अगर विलायक में पहले से इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक ऐसा पदार्थ जो पानी में डालने पर, द्रव में डालने पर आयन में टूट जाए उसे इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। इसका मतलब अगर किसी विलायक में इलेक्ट्रोलाइट हैं उस कंडीशन में यह इलेक्ट्रोलाइट विलायक विलयता को कैसे प्रभावित करेगा। तो मैं यहाँ पर एक टर्म बोलूँगा कि विलयता को इनवर्सली इफेक्ट डालेगा। इसका मतलब विलयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब अगर किसी विलायक में पहले से इलेक्ट्रोलाइट है तो उस गैस की विलायक में विलयता
घटेगी, और अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है मतलब कम है तो विलयता बढ़ जाएगी। यहाँ पर समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर विलायक में विलयता इलेक्ट्रोलाइट पहले से है उस कंडीशन में उस विलायक का कुछ भाग इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने में चला जाएगा, जिससे गैस को घोलने के लिए विलायक की कम मात्रा बचेगी और गैस बहुत कम घुलेगा। चौथा नंबर हम बात करेंगे, चौथा नंबर टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर किस तरह से विलयता को प्रभावित करेगा। गैस के लिए हमेशा जो विलयता होगा वह टेम्परेचर को इनवर्सली इफेक्टेड करेगा। इसका मतलब अगर किसी गैस को विलायक में डाल रहे हैं, द्रव में डाल रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलयता घटेगी, और टेम्परेचर घटाएंगे तो विलयता बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन में बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसा गैस है जिसके लिए विलयता ताप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का पालन नहीं करती है। इसका मतलब ये गैस है हीलियम और हाइड्रोजन, इनके लिए विलयता ताप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब हीलियम और हाइड्रोजन के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो विलयता बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटा दिया जाए तो विलयता घटेगी। लास्ट नंबर फैक्टर जो गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करेगा उसका नाम है प्रेशर, और इस प्रेशर का विलयता के ऊपर क्या इफेक्ट है इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम है हेनरी, और इनके नाम के कारण इसको कहते हैं हेनरी का नियम। इसका मतलब लास्ट नंबर फैक्टर जिसको हम लोग कहेंगे प्रेशर, और प्रेशर को हम लोग कहते हैं दाब। अब हम देखेंगे कि यह प्रेशर किस तरह से विलयता को प्रभावित करेगा। तो एक चीज मैं बता दूं, हेनरी साहब ने बताया था कि किसी भी गैस की द्रव में विलयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। इसका मतलब अगर प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो गैस की द्रव में विलयता बढ़ेगी, और अगर प्रेशर को कम कर दिया जाए तो विलयता घटेगी। इसी बात को जिस वैज्ञानिक ने बताया उनका नाम था हेनरी, और इसलिए इस संबंध को हम लोग कहते हैं हेनरी का नियम। तो अब हम समझेंगे हेनरी का नियम दूसरे टर्म में। तो हेनरी का नियम दूसरे टर्म में है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका मतलब वाष्प अवस्था में किसी भी गैस का आंशिक दाब उस द्रव में गैस की मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश को हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो में डिस्कस किए थे, बहुत आसान था। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो समानुपाती को अगर बराबर में बदले तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, और इस कॉन्स्टेंट को हेनरी के नाम पर हेनरी कॉन्स्टेंट कहेंगे, और इस तरह से इस समीकरण को हम लोग कहते हैं हेनरी का नियम। यहाँ पर पी क्या है, तो पी पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब है, पी आंशिक दाब है। के एच क्या है, यह हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट है। एक्स क्या है, तो यह गैस का मोल अंश है, गैस का मोल अंश है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज, बस ग्राफ के बारे में बात करूँगा कि हेनरी के नियम का ग्राफ कैसे खींचेंगे, और ग्राफ किसके किसके बीच होगा। तो ग्राफ दो चीज़ के बीच होगा। ग्राफ खींचने के लिए पहले बता दूँ, हमेशा दो एक्सिस लिया जाता है। एक एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस मानेंगे, और दूसरा एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस मानेंगे। यह जो एक्स और वाई एक्सिस है, यह जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है इसको ओरिजिन कहेंगे। मतलब इस ओरिजिन पर एक्स का भी वैल्यू जीरो है और वाई का भी वैल्यू जीरो है। एक्स एक्सिस पर हम लोग मोल अंश को ले रहे हैं, मोल अंश को ले रहे हैं,
और वाई एक्सिस पर हम लोग वाष्प दाब को ले ले रहे हैं, गैस की वाष्प दाब को ले ले रहे हैं। और उस कंडीशन में देख रहे हैं कि जैसे जैसे गैस का मूल अंश बढ़ेगा, तो यहाँ पर वाष्प दाब कहने का मतलब हम लोग आंशिक दाब भी कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर पी ले ले, आंशिक दाब ले ले। इसका मतलब अगर ओरिजिन से राइट साइड में जाएंगे तो मूल अंश बढ़ेगा, ओरिजिन से ऊपर की ओर जाएंगे तो दाब बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ग्राफ खींचते कैसे हैं, तो इनके लिए जिनके जिनके बीच ग्राफ खींचा जाता है उनका पावर देखिए। अगर इनका पावर देखा जाए तो 1, इनका भी कुछ नहीं है तो 1, अगर दोनों का पावर 1 है इसका मतलब इन दोनों के बीच जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इनका स्लोप कॉन्स्टेंट को बताएगा, मतलब स्लोप किसको बताया जा रही है, हेनरी कॉन्स्टेंट को बताएगा। यह जो हेनरी कॉन्स्टेंट है, यह जो हेनरी कॉन्स्टेंट है, इनके लिए 3 गो बात बताऊंगा जो कंपटीशन में पूछा गया है। सबसे पहला चीज, यह जो हेनरी कॉन्स्टेंट है यह विभिन्न गैस के लिए अलग अलग होगा, मतलब गैस की नेचर पर निर्भर करेगा। मतलब अगर गैस को बदल दिया जाए तो हेनरी कॉन्स्टेंट का मान बदल जाएगा, अलग अलग आएगा। दूसरा चीज, दिए हुए दाब पर हेनरी कॉन्स्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ विलयता होगा। इसका मतलब अगर विलयता बढ़ा दे तो हेनरी कॉन्स्टेंट घट जाएगा, और विलयता घटा दे तो हेनरी कॉन्स्टेंट बढ़ जाएगा। ये जो दो बात है ये क्वेश्चन पूछी गई है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर फिर से जिक्र करेंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ समझ में आ गया होगा कि दाब और मूल अंश के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो हेनरी के नियम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इसका नाम क्या होगा जी? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कौन सा नाम होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्यों स्ट्रेट लाइन बना? क्योंकि दोनों का स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि दोनों का पावर 1 है और इसलिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पर जो स्लोप इसका निकालेंगे वह स्लोप हेनरी कॉन्स्टेंट को बताएगा। यह हेनरी कॉन्स्टेंट दो के लिए दो बात, पहला हेनरी कॉन्स्टेंट का मान गैस की नेचर पर निर्भर करेगा। नेचर का मतलब गैस अगर बदल दे, गैस अलग अलग ले लें तो उनका नेचर बदल जाएगा, और नेचर बदलने के साथ उनके हेनरी कॉन्स्टेंट का मान, मतलब KH का मान अलग अलग आएगा। और यदि KH समानुपाती 1/ विलयता को देखें तो विलयता बढ़ा दें तो KH घटेगा, विलयता घटा दें KH बढ़ जाएगा। थोड़ा सा एक बात लास्ट में करूंगा, उनका नाम है एप्लीकेशन। बहुत संक्षेप में बताऊंगा और आप लोग को याद हो जाएगा ये एप्लीकेशन कभी कभी यूज किया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे लास्ट नंबर विलयता, गैस की द्रव में विलयता से रिलेटेड, हेनरी के नियम से रिलेटेड एप्लीकेशन। तो अब हम लोग जानेंगे जो हेनरी का नियम है उनका एप्लीकेशन क्या होती है। सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे पेप्सी से रिलेटेड, पेप्सी या थम्सअप से रिलेटेड। तो इसका एक हम नाम देंगे कोल्ड ड्रिंक। क्या नाम देंगे जी? कोल्ड ड्रिंक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज, अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल को देखें तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल को देखते हैं तो उनके ढक्कन को बहुत ज़्यादा प्रेशर पर बंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो गैस की द्रव में विलयता, मतलब पेप्सी के अंदर विलयता बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलयता। इसका मतलब अगर पेप्सी के अंदर CO2 गैस की विलयता को, क्यों? क्योंकि पेप्सी के अंदर किस गैस को डाला जाता है? CO2 गैस। अगर पेप्सी के अंदर CO2 गैस की विलयता को बढ़ाना चाहते हैं तो बोतल के ढक्कन का प्रेशर ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ा दे तो CO2 इस पेप्सी के अंदर ज़्यादा घुलनशील होगा। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे
कि जब कोई गोताखोर समुद्र के अंदर बहुत अधिक गहराई पर जाता है तो वह अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर का लोड सहता है। इसका मतलब ये जो सिलेंडर लेता है गोताखोर, उस सिलेंडर के अंदर किस किस गैस को भरा जाता है तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए गोताखोर अपने सिलेंडर के अंदर हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण भरता है। यह ऑक्सीजन उसको सांस लेने में मदद करेगा तथा हीलियम इस ऑक्सीजन इस सिलेंडर के प्रेशर को मेंटेन करेगा और इस तरह से गोताखोर समुद्र के अंदर आसानी से सांस लेता है। तीसरा नंबर, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं उनके अंदर एक बीमारी देखी जाती है जिनको कहते हैं एनोक्जिया। एनोक्जिया होता क्या है? जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक ऊंचाई पर रहता है उस कंडीशन में उस व्यक्ति को ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में मिलता है। बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलने के कारण उस व्यक्ति के सोचने की क्षमता घट जाती है और इसी बीमारी का नाम है एनोक्जिया। दिस इज द 3 एप्लीकेशन ऑफ द हेनरी लॉ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जैसे सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों को तुरंत नए वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा। मैं आप लोगों से ये दावा कर रहा हूँ कि पूरी केमिस्ट्री इसी तरह से मिलेगा। अभी जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो इतना मज़ा आएगा, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना नहीं है, खेलना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो देखिएगा कितना मज़ा आता है। कुछ भी नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कुछ लोग नोमेनक्लेचर का जिक्र करते हैं, मैं बोलता हूँ केवल नोमेनक्लेचर के ऊपर ऑर्गेनिक रिएक्शन केमिस्ट्री नहीं है, उसमें मैकेनिज्म, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और इस 3 चीज़ को जान लें तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान होती है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।